लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। विजय, अरे भाई कहाँ हो तुम लोग? यहाँ बावर्ची खाने में, आती हूँ। ये अभी से बावर्ची खाने में क्या हो रहा है? खाना बना रही हूँ, और क्या करूंगी? खाना तो बनता रहेगा मैडम, पति आया है आपका, कुछ उसको चाय वाय नहीं पिलाएंगी आप? पिलाती हूँ। वाह 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 वाह, आलू की टिकिया, वेरी गुड। अरे ये आपके लिए नहीं है, विजय ने कहा था बनाने के लिए, उसके लिए बना रही हूँ। लेकिन है अच्छे, वेरी गुड। विजय है कहाँ? अभी तक आया नहीं। क्यों नहीं आया? स्कूल से फोन आया था, कुछ स्पोर्ट्स हैं, उन्होंने कहा स्कूल के पास छोड़ देगा, आने की जरूरत नहीं। स्कूल से फोन आया था? अरे थोड़ा सा हम खा लेंगे तो क्या मुसीबत आ जाएगी? कमाल है, कमाल है। बस इस घर में कोई खा ही नहीं सकता है। खा क्यों नहीं सकते, मगर आलू नहीं खा सकते। आलू क्यों नहीं खा सकते हैं? मुझे तो फौरन कह देते हैं, अपने आप को देखा है कितने मोटे हो रहे हैं। मोटे हो रहे हैं तो क्या हम भूखों मर जा? ये तो आलू का पराठा है, बहुत उम्दा है। हाथ जल जाएगा। गरम है, गरम है। क्या मुसीबत है? ये लो, क्यों फोन आया? जाते हैं, जाते सर। कमिंग कमिंग कमिंग। मैं चाय लेके आती हूँ। हेलो, हाँ मैं अश्वनी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं कौन हूँ ये छोड़िए मिस्टर अश्वनी कुमार, आप सिर्फ ये सुनिए कि आपका इकलौता बेटा इस वक्त मेरे पास है। जी हाँ, और ये बताइए अपने बेटे को जिंदा देखने का आपको कितना शौक है? बदतमीज आदमी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? यही कि आपका बेटा विजय मेरे कब्जे में है, लेकिन उसकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप चाहें तो आज रात यशवंत को अपनी हवालात से निकल भागने का मौका देकर अपने बेटे की जान बचा सकते हैं। क्या सबूत है कि मेरा बेटा तुम्हारे पास है? सबूत और गवाही तो मैं आपके बेटे से ही दिलवा दूंगा। पहले अच्छी तरह यह सोच लीजिए कि आपको मेरी शर्त मंजूर है कि नहीं, और अगर मंजूर है तो यशवंत के हवालात से फरार होने का आप क्या इंतजाम करेंगे? सोचने के लिए आपके पास एक घंटा है। ठीक एक घंटे के बाद मैं आपको दोबारा फोन करूंगा। और हाँ, लीजिए अपने बेटे से बात कीजिए। बोलो। हेलो हेलो डैडी। हाँ हाँ बेटा, हाँ मैं डैडी बोल रहा हूँ। डैडी मुझे बचा लो, डैडी मुझे बचा लो। घबराओ मत बेटे, मैं हूँ ना, मैं हूँ। डैडी कुछ नहीं होने देंगे अपने बेटे को, तुम घबराओ मत। नहीं डैडी, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो डैडी, मुझे बचा लो डैडी। हेलो हेलो विजय, हेलो क्या हुआ? किसका फोन था? क्या बात है? कमाल करती हो तुम, किसी का फोन आ गया और तुम मान गई कि क्या मतलब? क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं होगा अपने विजय को, मुझे सोचने दो शीतल। कुछ नहीं होगा? कहाँ है विजय? क्या हो गया उसे? देखिए मुझसे छुपाए मत, बता दीजिए, प्लीज मुझे बता दीजिए कहाँ है विजय। सुनो सुनो शीतल, कुछ बदमाश हमारे बेटे को उठा ले गए हैं। क्यों, किस लिए? मेरे बेटे ने उनका क्या बिगाड़ा था? उनकी क्या दुश्मनी थी उससे? क्या चाहते हैं वो? वो चाहते हैं कि अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कैसे मुजरिम को छोड़ दूं जो इस वक्त मेरी हिरासत में है। नहीं, अगर विजय को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे विजय चाहिए, मुझे अपना बेटा चाहिए, मुझे अपना शीतल। समझती क्यों नहीं हो तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं समझती, मैं कुछ नहीं समझती। मुझे
मेरा शीतल, शीतल शीतल शीतल, तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा हा? मेरी बात सुनो, भगवान है कि नहीं? है ना, तो फिर तुम क्या समझती हो, विजय मेरा बेटा नहीं है, मुझे उसकी फिक्र नहीं है? ना शीतल, ना ना ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। बस अब आधे घंटे में पता चल जाएगा कि तुम्हारा बाप तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, इसलिए कि अगर वो तुम्हें वाकई जिंदा देखना चाहता है तो हमारी शर्त मानने से इंकार नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम तो अपने बाप के इकलौते बेटे हो, तुम्हें बचाने के लिए हमारी बात मान जाएगा? नहीं हेलो हाँ कभी अच्छा मैं अभी आता हूं नारंग जी, मैं थोड़ी देर में आता हूं, और अगर मुझे आने में देर हो जाए तो ठीक 8 बजे अश्विनी को फोन करो और उसका जवाब ले लो। ठीक है। देखो ऐसा करो कि वो जो कुछ भी कहे उसे टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लो, मैं वापस आकर सुनूंगा। ओके ओके हेलो अश्विनी साहब, क्या जवाब है आपका? आप यशवंत को छोड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं? हेलो हेलो, यशवंत एक मुजरिम है, मैं यशवंत को नहीं छोड़ सकता। लेकिन आप जानते हैं कि अगर हाँ जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं जानता हूं मेरे बेटे की जिंदगी इस वक्त तुम लोगों के हाथ में है। कर दो उसका खून, मार डालो उसे, लेकिन मैं अपने फर्ज से बेईमानी नहीं करूंगा, समझे? तुम लोगों से जो बन पड़े कर लो, सुनते हो, जो बन पड़े कर लो, लेकिन मैं यशवंत को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। क्यों, क्या हुआ, फोन किया था? जी हाँ। क्या कहा उसने? वो मेरा ख्याल है, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं जानता हूं मेरे बेटे की जिंदगी इस वक्त तुम लोगों के हाथ में है। कर दो उसका खून, मार डालो उसे, लेकिन मैं अपने फर्ज से बेईमानी नहीं करूंगा, समझे? तुम लोगों से जो बन पड़े कर लो, सुनते हो, जो बन पड़े कर लो, लेकिन मैं यशवंत को नहीं छोड़ूंगा। इस आवाज को टेप से मिटा दो और बच्चे को यहां ले आओ। चल चल, यस हाँ जी हाँ, यस थैंक यू। टेलीफोन एक्सचेंज से फोन आया था, कॉल ट्रेस हो गया है, पता चल गया है फोन कहां से किया गया था। मिस्टर वर्मा, यस सर, लेट्स गो।
क्या हुआ? उधर तो नहीं है? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। Bloody fools! एक बच्चा भाग निकला और तुम लोग उसे पकड़ नहीं सके। काम मेरे साथ करते हो हरामजादों, लेकिन इस काबिल भी नहीं कि एक अपाहिज घर के चौकीदार बनाए जा सको। साहब, हमने कोशिश तो बहुत की। मेरे बच्चा, मुझे नहीं पता, नहीं पता साहब। बोल कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं मालूम है ना? नहीं मालूम। कहाँ है बच्चा मेरा? नहीं मालूम। अश्विनी, अश्विनी तुम्हारा बेटा मिल गया है। नहीं मालूम साहब। अश्विनी, अश्विनी प्लीज, अश्विनी तुम्हारा बेटा मिल गया है। अभी भी वारिस में न्यूज आई है कि वो घर पहुंच चुका है। सॉरी सॉरी इंस्पेक्टर। ए, चलो तुम कहां? विजय देख, उसका खून मार डालो उसे, मार डालो उसे, लेकिन मैं अपने फर्ज से बेईमानी नहीं करूंगा। रेडी विजय? वो तो स्कूल चला भी गया। चला गया? जी, कह रहा था स्कूल में देर हो रही है, पास ही तो है, खुद ही चला जाऊंगा। खुद चला जाएगा? और भी तो लड़के हैं, उनके साथ चला गया होगा। मैं जानता हूं मेरे बेटे की जिंदगी इस वक्त तुम लोगों के हाथ में है। कर दो उसका खून, मार डालो उसे।